अस्सलामुअलैकुम। ना आलू उबालने का झंझट और ना ही स्टफिंग का कोई टेंशन। आज मैं कच्चे आलू से पराठा बनाने की ऐसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे सिर्फ आप 5 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। तो आलू को हमने छील करके पानी में रख लिए हैं जिससे आलू जो हैं काले नहीं पड़ेंगे। तो अब हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है इसे ग्रेट करने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देते हैं। मैदा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैदे की कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जितने साइज की आपके आलू होंगे या फिर जितना आपका आलू मॉइस्चर रिलीज करेगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आटा डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर अजवाइन लिया है जिसे हम इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से आटा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें 1/2 कप यहाँ पर मैदा डाल रहे हैं। हम यहाँ पर मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके पराठा बनाएंगे। और अब हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल डाल देना है। तेल डालने के बाद हमें इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका हमें यहाँ पर सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार मत कीजिएगा क्योंकि बाद में आलू जो है मॉइस्चर रिलीज करेंगे जिससे आपका डो जो है पतला हो सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप 1 से 2 टेबल स्पून मैदा या फिर आटा और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर चिकना डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर डो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें इसका पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मीडियम साइज के पराठे बनाने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से चिकना पेड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद रोलिंग सरफेस पे आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कीजिएगा और रोलिंग पिन से हमें इसे बिल्कुल पतला बेल लेना है जिस तरह से हम चपाती के लिए बेलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे पतला बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर घी या तेल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अच्छे से आप चारों तरफ अप्लाई कीजिएगा और फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें नाइफ़ की मदद से इस तरह से चौड़े चौड़े स्ट्रिप में इसे कट कर लेना है। आप यहाँ पर इसे कट करने के लिए पिज्जा कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमें एक एक स्ट्रिप उठाते जाना है और फोल्ड करते जाना है। एक के ऊपर एक रख करके हम इस तरह से दबाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर एक पेड़ा बन करके तैयार हो गया है लच्छेदार आलू पराठा के लिए। तो थोड़ा सा हमने रोलिंग सरफेस पे फिर से सूखा आटा डस्ट किया है और थोड़ा सा हमें इसे बेल लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं जिससे दिखने में इसका लुक बढ़ जाएगा। और फिर से हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। इसकी थिकनेस जो है मीडियम रखेंगे क्योंकि पराठे जो हैं थोड़ा मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे बेल लिया है। तो अब हम इसे सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इस तरह से आप पहले सारे बेल करके रख लीजिएगा, उसके बाद हम पराठे को सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवे को मीडियम हॉट होने के लिए रख दिया था। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे सेकना है। 1.5 से 2 मिनट होने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमें इसके ऊपर घी या तेल अप्लाई कर लेना है या फिर आप यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें स्पैचुला से दबा दबा कर पराठे को सेकना है। ये देखिए दूसरी साइड कितनी अच्छा कलर आया है इसमें। फिर से हम इसके ऊपर बटर या घी लगा देंगे, जो आपको पसंद हो यहाँ पर लगा दीजिएगा। और दोनों साइड हमें इसे अच्छा गोल्डन होने तक के पराठा को सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस पराठा बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। इंस्टेंट तरीके से बनने वाले ये आलू का लच्छा पराठा बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। आप इसे किसी भी रायते या फिर इसे चाय के साथ भी खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके लच्छे पराठे कितने खास्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी।
ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।